शाम की बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये ऐसा लग रहा है इस तरह समंदरी हवाएं होती हैं। तो मौसम तो बहुत ठंडा है, ऊपर से यहाँ पे हिरोशिमा में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। शुरू में जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा जिस तरह ये हम नतिया गली में होते हैं, नतिया गली में बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। बादल नीचे आए हुए थे और बड़ा अजीब सा खूबसूरत सा मंदिर था। यहाँ पे आके तो बिल्कुल नतिया गली वाली फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये नतिया गली से ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि नतिया गली इसमें तुम्हें इतना ठंडा नहीं होता जो यहाँ पे सिचुएशन है। ये तो बिल्कुल जैसे दिसंबर में सर्दी होती है। बड़ा मसला जो है जो बाहर से आते हैं उनको होता है नेट का, इंटरनेट का। अब इंटरनेट यहाँ पे आप इस तरह नहीं है जिस तरह हम अपने मुल्क में ले लेते हैं, एक एक दो दो तीन तीन सिम ले लेते हैं और बड़े सस्ते दाम यहाँ पे बड़े महंगे मिलते हैं, और फिर डेटा पैकेजेस अलग होते हैं। तो मतलब देखिए बहुत आप 3,000 में 3,000 यानी 3,000 या 4,000 करके 2,000 येन समझ लें, 2,000 येन में आपको सिर्फ 4 GB नेट मिलता है आप करें। मैंने जो देखा है बहुत सके इससे चीप ही हो, लेकिन मैंने जो चेक किया तो 2,000 येन में 4 GB नेट मिल रहा था, और वो भी सिर्फ नेट। वो कहते हैं कि सिम सर्विसेज नहीं होंगी, बड़ा हैरान हुआ मैंने कहा सेम सर्विस नहीं है सिर्फ नेट मोबाइल को पता नहीं कुछ किस तरह का, लेकिन BGB आप पहले का बाद में चेक करेंगे। बल्कि हो सके अगर अभी मार्केट में यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं मोबाइल की उसे चेक करें तो पूरी हो जाए। तो ये मसले तो बाहर चलते रहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे यह है कि वाईफाई मिल जाता है अक्सर, ओपन होते हैं यहाँ पे नेटवर्क्स आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो मखसूस पॉइंट पे, मखसूस पॉइंट पे होते हैं, यानी हो सकते हैं जिस जगह से जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ वहाँ पे हो सकते हो यहाँ पे कोई वाईफाई ओपन हो, तो मैं चेक करता हूँ कि है या नहीं कोई, क्योंकि आपको वाईफाई या सिम कनेक्शन लेने से पहले आपको पहले यहाँ पे कई किस्म की डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। आपको कोई रेजिडेंट कार्ड बनाना पड़ता है, पता नहीं कुछ टूरिस्ट सिम भी होते हैं वो भी बहुत ही मतलब सिम तो होते हैं लेकिन डेटा होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको खुल के यूटिलाइज कर सकते यूज़ कर सकते। अच्छा यहाँ पे वो सर आ रहे लेकिन वो ओपन नहीं है, लेकिन देखेंगे जहाँ पे ओपन हो वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। थोड़ी तेज हवाएं चल रही है शाम की, मैं किसी टाइम जाऊँगा एक आमिर ड्रॉम तो वहाँ भी बनाऊँगा विदाउट बड़ी बड़ी प्यारी अट्रैक्शन, और सुना है कि वहाँ से जो गाइड करती हैं खवातीन हैं वो और खवातीन हैं वो सर्वाइवर है उसकी एटॉमिक बम की, और जब वो एटॉमिक बम गिरा था उसमें उसका जो बच गया लेकिन वो सर्वाइव कर गई थी, तो उनको इसलिए लगे रखा है कि वो अच्छी तरीके से आपको ब्रीफ कर सकती हैं बता सकती हैं जो सिचुएशन थी उस टाइम पर। तो वहाँ पे जाके पता चलेगा कि विटामिन जम पार्क है वहाँ पे होती है। इसके अलावा वहाँ पे म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम में आपको बताते हैं सब कुछ वहाँ पे जो उस टाइम के कुछ रिमेंस हैं एटॉमिक बम के वो दिखाते हैं और बताते हैं, साथ में ब्रीफ भी करते हैं। तभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, मार्केट मुझे अभी समझ नहीं आ रही, जा तो रहा हूँ नेट भी डिसकनेक्ट हो गया यहाँ पे
और मैं भी सही काम नहीं कर रहा, तो जहाँ पे नेट कहीं मिलेगा तो मैं कनेक्ट करूँगा, तो फिर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है और कहाँ तक मैं पहुँचाऊँ। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कोई सर पर नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैप पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन वही है। एक जगह से मैंने मुड़ना था, अब देखता हूँ कि कहाँ से मुड़ना है मैंने मार्केट की तरफ। चलिए मैं थोड़ी देर तक आप लोगों को, जब मार्केट पहुँचूँगा तो फिर मैं आप सबको दिखाऊँगा मार्केट।